और देखो ये है सबसे बढ़िया, देख रहे हो, यजदी रोड किंग, वाह। और ये तो एक है, आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी बाइक्स हम आपको दिखाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ बाइक। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आपको टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि आज इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये है हमारे पास यजदी रोड किंग और कस्टमाइज्ड है 1994 मॉडल, और ये है हमारे पास मेरी जावा क्लासिक 2019 मॉडल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी कस्टमाइजेशन प्लस इसकी कस्टमाइजेशन। तो अभी हम कवर करेंगे अपनी जावा क्लासिक और यजदी रोड किंग। तो अभी मेरे साथ हैं हरप्रीत जी, जो आजकल इस बाइक को देखते हैं और उन्होंने ही इसमें काफ़ी कुछ काम किया है, तो वो आपको बताएंगे कि इस बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशन करी गई हैं। हेलो दोस्तों, ये बाइक 1994 रोड किंग है। हमारे दोस्त हैं कर्नल बेदी, अर्जुन टिक्का अर्जुन बेदी, उनका ये कॉलेज टाइम का बाइक है। बेशक उन्होंने ट्रायम्फ ले लिया था A3 स्ट्रीट ट्विन, लेकिन इसे नहीं छोड़ पाए वो। आज से 20 साल या उससे पहले इन्होंने इसको कस्टमाइज करवाया था। तो बताने का पर्पज़ आज हमारा ये है कि उस टाइम अगर जावा यजदी को लोग कैसे कस्टमाइज करते थे, अब कैसे करते हैं। तो आजकल बाइक ये मेरे पास है, लाइक ए फ्रेंड उन्होंने मेरे पास छोड़ रखा है, तो मैं बताऊंगा उन्होंने इसमें क्या क्या किया है। इसका जो फ्यूल टैंक, जो रोड किंग के बारे में जानते हैं, वो डिफरेंट होता था, तो वो इन्होंने निकाला था। सेकेंड चीज़, इसमें इसके जो एग्जॉस्ट हैं वो चेंज हैं, और दोनों फेंडर चेंज हैं आगे पीछे, और सीट कुछ चीज़ें और माइनर चेंजेस हैं, वो भी बताऊँगा। पहले हम फ्यूल टैंक से स्टार्ट करते हैं। ये जो आप जावा का टैंक देखेंगे, ये जावा 353 जो पुराना जावा होता था उसका फ्यूल टैंक है। इसमें बहुत शानदार, इसमें जो टीयर ड्रॉप शेप है, इसमें जो ये लाइनिंग देखेंगे स्पेसिफिकली मोल्डेड है, ये स्टील की है। ये ट्रायम्फ जो पैटर्न होता है उसमें इन्होंने बनाई थी, बहुत स्टर्डी फिटिंग है इसकी। सेकेंड चीज़ आप देखेंगे, इसमें जो पैनल्स होते थे वो स्केरिश और रेक्टेंगुलर होते थे इसमें रोड किंग में, या इवन CLTU में भी। इनमें देखिए, इसमें राउंड इफेक्ट टीयर ड्रॉप को मैच करने के लिए दिया गया। इनमें लॉक भी दिए गए, जो जेन्युइन लॉक यहाँ नहीं होता था इनमें। दूसरा तो ये इन्होंने लॉक डाले गए हैं। फिर इसमें इंजन में कोई चेंज नहीं किया गया, इसकी वायरिंग, इसके टेक्निकल्स में कुछ चेंज नहीं किया गया। इसका जो स्टॉक, इसके ये देखिए बैंड्स इसके ही हैं, लेकिन ये जो इसके एग्जॉस्ट हैं, ध्यान से मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, ये यामाहा RX 100 के हैं, जिनको कस्टमाइज किया गया। अंदर से इनकी जो अकॉस्टिक्स भी है वो भी चेंज की गई है यजदी को सूट करने के लिए, प्रेशर को यजदी का 250 cc को अकोमोडेट करने के लिए। और ये फेंडर पिछला देखिए, बैक लैम्प, और ये सीट, ये सब ट्रायम्फ के बेस पर बनाया गया। और ये बहुत वर्किंग, जैसे होता है ना, एक कस्टमाइज होता है जिसमें आप कर तो देते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होता, ये बहुत प्रैक्टिकल बाइक है। इसमें आज तक कभी कोई, ये दिखाइए, 20 साल पहले ये इसकी मॉडिफिकेशन हुई, आज तक इससे कलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका कोई वेल्डिंग, इसकी डेंटिंग कभी कोई लूज़ नहीं हुई, जबकि काफ़ी चलाया गया बाइक ये। तो और अमंग अदर थिंग्स, अब ये देखिए जो फ्रंट फेंडर में ये जो अपर लाइनिंग है, ये ट्रायम्फ बेस्ड है, 1960s के जो ट्रायम्फ थे वैसी है ये। और इसके जो पॉड्स हैं दोनों देखिए ऊपर क्रोम के, इनमें भी क्रोम, ये मेटल है, ये प्लास्टिक नहीं है, ये स्पेसिफिकली माउल्ड करके बना के डाले गए हैं। तो ये ओवरऑल इसमें लुक देखिए, बहुत शानदार बाइक है ये। और हमारी जो इंस्टाग्राम या हमारे क्लब के जो पेजेस हैं उन पे बड़ा स्टार बाइक है हमारा। तो यहाँ से आगे मैं शशांक से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने बाइक के बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा यजदी रोड किंग के बारे में हरप्रीत जी ने बताया, अब मैं बताता हूँ आपको अपनी जावा क्लासिक के बारे में। तो मुझे क्लासिक विंटेज बाइक पसंद है, और क्लासिक विंटेज को रिटेन करने के लिए मैंने अपनी बाइक में क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसमें क्रैश गार्ड लगवाए, ये कस्टम क्रैश गार्ड। मैंने इसमें एक हैंडल बार चेंज कराया, और आप देख सकते हो पूरा डिफरेंट कर्व है इसका, और थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो ये बहुत अच्छा राइडिंग पोस्चर आपको देता है। प्लस मैंने इसमें स्पोक्स निकलवा के अलॉय व्हील्स लगवाए, और मैंने इसमें बैकरेस्ट भी एक चेंज करवाया, बैकरेस्ट भी कस्टम है। इन सारी चीज़ की ऑलरेडी मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, बट यस, सिंस हम इस वीडियो में
कंपैरिजन कर रहे हैं हम इस वीडियो में, बता रहे हैं कि पहले हम बाइक्स को किस तरीके से कस्टम करते थे और आज हम बाइक्स को किस तरीके से कस्टम करते हैं। तो इसका लेग गार्ड आप देखिए, ये भी मैंने बिल्कुल ध्यान में रख के बनवाया है कि ये एकदम एक्यूरेट लगना चाहिए, ये ऐसा आना चाहिए कि इस बाइक के साथ ही बना हुआ है। और सिमिलरली इसका हैंडल बार, ये हैंडल बार इतना कंफर्टेबल है कि आप इससे लॉन्ग राइड वगैरह आराम से कर सकते हैं। प्लस मैंने इसमें एक विंडशील्ड लगवाई है। विंडशील्ड से मेरा मोटिव ये था कि मेरे को और रेट्रो लुक आनी चाहिए, और रियली इसको लगाने के बाद मेरे को लगा कि हाँ, इसमें और फर्दर रेट्रो लुक मुझे मिली। तो अगर मैं वैसे बात करूँ तो कंपेयर तो नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारी यल्दी रोड किंग है 1994 मॉडल और ये हमारी जावा क्लासिक है 2019 मॉडल, तो कंपेयर तो नहीं कर सकते। बट यस, ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुरानी विंटेज बाइक और आज की जो मॉडर्न क्लासिक रेट्रो बाइक्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। मैं अभी चलाने जा रहा हूँ यल्दी रोड किंग, जबरदस्त। यस, आई एम एक्साइटेड। मज़ा ही अलग है। एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के पैटर्न पे हम लोगों ने सोचा है कि हम आपके लिए और विंटेज क्लासिक बाइक्स लेकर के आएंगे जो आपने शायद ही देखी होंगी। और ये सारी बाइक्स के फोटोग्राफ्स और ये सारी बाइक्स आपको अगर देखनी है तो आप चंडीगढ़ जावा यसडी क्लब को भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको इनके फोटोग्राफ्स और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। काफ़ी पुरानी बाइक्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, काफ़ी विंटेज बाइक्स हैं हमारे क्लब के पास। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बाकी आपको जो भी कुछ इसमें चीज़ें पूछनी हैं, कोई भी पॉइंट्स अगर आपके हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको श्योरली उसका आंसर करेंगे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और क्लासिक विंटेज रेट्रो बाइक्स को पसंद करते रहिए।